हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज की मेरी न्यू वीडियो पे आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो बनने वाला है आज सना मकबूल के ऊपर, और सना मकबूल विनर बन गई है। मुझे मालूम था कि सना मकबूल ही विनर बनेगी। देखो, नेजी भी जीत सकता था, बट मैं नेजी के ऊपर भी आऊँगा। आप लोग पहला जो विनर है यार, पहले उसकी तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, पहले उसके लिए बोलना पड़ेगा। तो मैं सना मकबूल के लिए बोलूँगा कि अगर आप लोग बिग बॉस देख रहे थे तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की होगी जो मैं बोल रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ें मुझसे छूटी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो विनर तो सना बन गई है, और सना जब आई थी तब मुझे बिग बॉस में उतना नहीं समझ में आ रही थी, बट जैसा जैसा बिग बॉस का दिन बढ़ता गया, वीक हफ्ता बढ़ता गया, वैसा वैसा सना ना मतलब समझ में आने लगी। यार अगर आप लोग देखे हो बिग बॉस, तो ये मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ। अगर आप लोग अपना पॉइंट रखना है तो आप लोग कमेंट में रख सकते हो। तो मेरा हाथ दुखने लगा थोड़ा सा, मैं बैंड हो रहा हूँ। तो क्या है पता है, पूरे घर में इन्वॉल्व रहती थी सना। हर एक के मैटर में, हर किसी के मैटर में सना इन्वॉल्व रहती थी, और यहाँ तक कि पूरे घर वाले सना मकबूल के खिलाफ रहते थे। ये भी एक रीज़न बता देता हूँ क्यों खिलाफ रहते थे। क्योंकि बिग बॉस शो ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर सब जीतने के लिए जाते हैं। वहाँ पे 12-15 जितने लोग भी थे सब जीतने के लिए गए थे। अगर देखेंगे ना, सबको ट्रॉफी चाहिए, सबको जीतना है। तो सना जो हिसाब से गेम खेल रही थी, अपना दिमाग चला रही थी, हर किसी को जवाब दे देती थी जगह पे, हर किसी का अगर कोई कुछ पूछता था तो उसके पास वर्ड होते थे बोलने के लिए, वो हर किसी का जवाब देती थी, हर किसी से बात करती थी, सबसे मिलजुल के भी रहती थी। बट उससे घर वाले उसके खिलाफ रहते थे। क्योंकि उनको भी तो जीतना है ना ट्रॉफी, और सना इतना अच्छा गेम खेल रही है। कोई भी टास्क रहता था, सबसे ज़्यादा सना टारगेट होती थी। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खेल रही है। तो उसको निकालने में, देखो मेरा दिमाग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है, मगर उसमें क्या हो रहा था पता है, जो जीतने आता है ना, जो जीतना चाहता है ट्रॉफी या जो भी जीतना चाहता है, वो सोचेगा ना यार वो अच्छा खेल रहा है, मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूं कि वो बाहर निकल जाए। तो 10-12 जितने अंदर थे घर में, घर वाले सबके दिमाग में यही चल रहा था कि यार वो अच्छा खेल रही है, उसको निकालो। समझ रहे हो, वो अच्छा खेल रही है उसको निकालो, मगर कोई अपनी बात खुल के नहीं बोल रहा था। बट हम तो देख रहे हैं ना टीवी पे, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबका एक ही चीज़ था। तो उसमें से सबसे ज़्यादा टारगेट कौन होता था? सना। यानी मतलब जितने लोग सना को टारगेट करते थे, मतलब सबके दिमाग में है कि वो अच्छा खेल रही है, उसको हटाओ ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ, मतलब मुझे मिले ट्रॉफी। दोस्ती भी अच्छी निभाई उसने, स्टैंड लेती थी। अगर नेजी कुछ गलत करता था तो नेजी को भी समझाती थी, यहाँ तक का कोई भी कुछ भी गलत करता था तो उसको भी समझाती थी। दोस्ती भी उसने निभाई, दोस्त इसको बोलते हैं। ये नहीं कि वो कटारिया के जैसे, कटारिया विशाल का कुछ मैटर हुआ था आप लोग भी जानते हो, लाफा मार दिया था अरमान मलिक। कटारिया दोस्त बोलता है, साला गद्दार है, दोस्त के लिए स्टैंड ले लिया। जो कि विशाल बोला था कि भाभी सुंदर लगती है, जो कि ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और कटारिया क्या बोलता है पता है, अच्छी लगती है विशाल, ये बोला तू। साला दोस्त के काम नहीं आ रहा है। दोस्ती किसको बोलते हैं? जो स्टैंड लेती है, मतलब जो स्टैंड लेता है, लेती नहीं है। देखो अभी वो जीती है करके मेरे मुंह से निकल रहा है कि लेती है कुछ गलत नहीं समझना बट स्टैंड सना लेती थी सबका, सबको समझाती थी, यहाँ तक कि शिवानी को भी समझाती थी, नेजी को समझाती थी, विशाल को भी समझाती थी, कटारिया को भी समझाती थी। इसको बोलते दोस्त यार। और वो हंसते खेलते पूरा बिग बॉस निकाली है, पूरा हंसते खेलते, बाकी लोग के जैसा कि नहीं किया। ये कटारिया को देख लो, एकदम चिल बन के अंदर बैठा, एकदम चिल बिंदास। उसको मालूम है ना कि मेरा फैन आर्मी है बाहर, वो मुझे बचा लेगी। यार फैन आर्मी को भी खुश करना होता है ब्रो। कटारिया अगर ये ब्लॉग देख रहा है भाई, तो सुन ये मेरी बात और दिमाग में घुसा, आगे चल के काम आएगी तेरे को। तो फैन आर्मी जो बनाया ना तू, सिर्फ ब्लॉगिंग करने से नहीं, तू गया शो में, वहाँ पे गेम प्ले कर, तू दिखा कि मैं रियल क्या हूँ। तू वहाँ जाके बस चिल कर रहा, बैठ रहा, बात कर रहा, ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व है।
तू यार कैसा तू जीतेगा भाई, फैन तेरे को क्यों फॉलो करते हैं, ताकि तू दिखाए कि तू है क्या रियल, तेरे को फॉलो इसके लिए करते हैं ताकि वो तेरे को फॉलो कर सके, बट तू अंदर जाके कुछ कर रहा नहीं है, नील बटा लुल है, तू फैन आर्मी के भरोसे तू जीतेगा बिग बॉस, ऐसा नहीं होता ब्रो, कुछ करना भी होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देख मैं अपनी बात बोल रहा हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है, बाकी तेरे ऊपर है। और अरमान का तो छोड़ो यार, अरमान क्या ही था, उसको उतना नहीं दिखा, रणवीर सर भी अच्छा खेले, रिस्पेक्ट होए मेरी, और थोड़ा वो सब उनके सामने ना सबकी एज अगर देखेंगे ना, मतलब वो सबसे एजेज है, तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे ताकि मतलब कोई पलट के जवाब ना दे दे मुझे, मुझे ऐसा लग रहा था उनको देख के। बाकी सब अच्छे थे। और नेजी भाई टैलेंटेड है, नेजी भाई रैपर है, नेजी बम्मा है, अपना नेजी बम्मा रैपर है, रैप लाने वाला है इस इंडस्ट्री में नेजी भाई। अब वो मचा चुका है अपनी अपने टाइम पे, वो मचा चुका है अलग लेवल नेजी, उसके मुकाबले कोई नहीं है, सना भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जितने भी अंदर थे नेजी के मुकाबले कोई भी नहीं है। बट अगर मैं बिग बॉस शो के हिसाब से देखूँगा तो सना विनर है, और अगर मैं वो हिसाब से देखूँगा कि फैन आर्मी की वजह से जीतना चाहिए, और मतलब देखो बोलना नहीं चाहिए, बट नेजी भाई बात तो सही बोलूँगा, देखो तुम जो भी होएगा तुम्हारा वो पर्सनल चीज़ है जो भी होएगा। पब्लिक बोल रही थी तुम सोए हो, वो मुझे भी दिख रहा था सोए थे, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे किसी चीज़ों में, बस तुमको जितना बोलना रहता था तुम उतना बोलते थे, बात तुम्हारी सही है, तुम भी अपनी जगह एकदम ठीक हो। विनर मुझे नहीं लगता कि आपको बनना चाहिए था नेजी बा, तुमको बनना चाहिए था नेजी बा, तो सेकेंड भी हो, बट भाई तुम रैपर हो यार, तुमको कोई भी मिले, थर्ड मिले, सेकंड मिले, फर्स्ट मिले, कुछ भी मिले, तुम तो बाहर आने के बाद मचाने वाले हो, तो बेफिकर, उसके लिए मैं भी बेफिकर हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अपना नेजी बा पार है, अपरम पार है सबका। अगर शो के हिसाब से देखेंगे तो सना अच्छा प्ले कर गया, सना जीत गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैं नेजी को सपोर्ट कर रहा था। सना अगर ये ब्लॉग देखोगे आप तो सॉरी, बट मैं नेजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और पहले तो अपने दोस्त को सपोर्ट किया था अदनान को, क्योंकि वो बिग बॉस में गया था, फिर मैं उसको सपोर्ट किया, उसके बाद मैं नेजी दबा को सपोर्ट किया, क्योंकि मैं नेजी का रैप भी अच्छा सुना हूँ, तो कनेक्टेड रहता है जो इंसान, वो भाई उसको ही सपोर्ट करेगा जिससे कनेक्टेड रहेगा। बट मैं तुमसे भी कनेक्ट हुआ सना, क्योंकि तुम्हारा गेम और तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा लोगों से बात करना सब के साथ, मतलब एकदम अच्छे से यार, दिल खुश हो गया देख के तुमको, मतलब अच्छा गेम प्ले किया गाइस, आप लोग कुछ गलत नहीं लेना, बस जिसकी तारीफ होना चाहिए उसकी तारीफ कर रहा हूँ, और कटारिया के लिए भी बोला, कटारिया अच्छा नहीं लगा, बट बात बताए मेरी, मैं शेयर किया उसको, अगर अच्छा लगा होगा तो वो इस चीज़ को यूज़ करेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वो कुछ जवाब देगा भलता। सना कॉन्ग्रेचुलेशन OTT 3 की ट्रॉफी के लिए। और एक चीज, विशाल और शिवानी तो रह गए यार, थोड़ा विशाल और शिवानी के लिए भी बोल देता हूँ। विशाल अपना दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, विशाल भी बहुत अच्छा गेम प्ले किया, बहुत अच्छा खेला, अपने लिए स्टैंड लेता था, और यहाँ तक कि हर चीज़ में इन्वॉल्व भी रहता था, बट वो आगे तक नहीं आ पाया, मगर जितने भी दिन था विशाल ना बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छा गेम खेला था, और विशाल को मैं इसके लिए सपोर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा दोस्त अदनान जा रहा है, इसके लिए मैं, बट जितना दिन था ना विशाल दू एक नंबर गेम खेला, बहुत अच्छा एकदम पॉजिटिव, जिसके लिए खुद तू दोस्त के लिए भी खड़ा रहा, कटारिया के लिए भी खड़ा रहा, उसका कुछ मैटर हुआ तो तू उसके लिए खड़ा रहा, बट कटारिया तेरे लिए नहीं खड़ा रहा, विशाल बहुत अच्छा गेम खेला। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब अरमान ना तेरे को लाफा मारा ना विशाल, तेरे को ना तुरंत देना चाहिए था घुमा के, तुरंत देना चाहिए था घुमा के, क्योंकि मालूम है तेरे को अगर कोई लाफा मारा है तो उसको जगह पे लाफा मार दो, फिर बाद में पब्लिक छुड़ा देती है, बाद में पब्लिक अलग कर देती है, और बाद में क्या होता है, उधर की भी पार्टी बैठती है, इधर की भी पार्टी बैठती है, क्या होता है, मैटर सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे तू गलत लगा मुझे, खा के लिया बस उसके लिए गलत लगा, क्योंकि अगर तेरे को पड़ी लाफा तो तेरे को झके पे ऐसा घुमा के देना चाहिए था, अरमान को ऐसा फट करके आवाज़ आना चाहिए था, समझा, वही टाइम पे निपटा देना चाहिए था। अब हो गई बात, छोड़ो, वो टाइम पे नहीं समझ में आता, बट
मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, होएगा कुछ रीजन इसके लिए नहीं कर पाया, बट अच्छा गेम प्ले किया। और शिवानी, शिवानी यार क्या ही इंटरटेनिंग यार, एक नंबर है, मतलब इतना हंसाई पूरे बिग बॉस में। व्लॉगिंग करती है शिवानी, उसका व्लॉग भी मैं देखा यार, बहुत अच्छा इंटरटेन करती है लोगों को, एक्सप्लेन करती है कि गाइस आज मैं यहाँ आई हूँ, आज मैं इसके यहाँ पे, आज ये बना है, आज हमारे भैया अरमान भैया, ये हमारी दीदी है, ये हमारे भैया हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना काम करते हो यार शिवानी, एक नंबर। और इंटरटेनिंग तो बहुत ज़्यादा, मतलब छोटा अखबार तुमको सही नाम दिए थे, तुम यहाँ की बात वहाँ करती थी, वहाँ की बात कोई भी कुछ बोलता, मगर तुम रियल थी यार शिवानी, तुम एकदम रियल थी, मगर तुमको जो भी मालूम होता था तुम वहाँ बोलती थी, वहाँ की बात मालूम होती तो तुम वहाँ बोलती थी। परफेक्ट खेली, एकदम मस्त खेली। सला सुल्तान भी मेरी अच्छी दोस्त है यार, सला सुल्तान के लिए बोलना चाहूँगा, सला सुल्तान तुम यार उतना अच्छा गेम प्ले नहीं किया, उतना मतलब मज़ा नहीं आया गेम में, तुम तो मस्त रेडी हो के मॉडल बन के घूम रहे थे, बट यार शो में मॉडलिंग थोड़ी ना कर रहा है सला, मॉडलिंग नहीं कर रहा था तुमको, बट तुमको गेम में इन्वॉल्व होना चाहिए था। एक चीज़ के लिए मैं तुमको बताऊँगा, वो टास्क था जो जिसमें राशन, हाँ रणवीर सर और साई केतन तुमको ना बोले थे कि सना मान जाओ ना ये वो ऐसा ऐसा, फिर बिग बॉस बोलेगी खाना राशन नहीं आएगा। अगर तुम ये देख रही हो तो समझ गई होगी, और बाकी लोग जो बिग बॉस देखे वो भी समझ गए होंगे कि कौन से टास्क की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे सना क्या हो गई पता है, सना डर गई कि बिग बॉस राशन नहीं भेजेंगे तो बाकी सब भूखे मर जाएंगे। यार तुम बाकी लोग का क्यों सोच रहे हो, तुम वहाँ गेम खेलने गए हो, वहाँ पे गेम के तरीके प्ले करो, समझ रहे हो। फिर तुम गए वहाँ पे, तुम अपनी बातें डाले वहाँ पे, सब क्या बोले, सब बोले ना ठीक है राशन जाने देते, यार चार जन भूखे रहेंगे तो चार जन और भूखे रह सकते हैं, समझ लो। गेम को गेम के तरीके से खेलो। तुम वहाँ पे सोची कि मैं पॉजिटिव दिखूँगी, इसके लिए मैं राशन के लिए हाँ बोल देती हूँ कि राशन आ जाए, मगर तुम वहाँ पे पॉजिटिव नहीं चली, गेम प्ले करना चाहिए था तुमको वहाँ पे। तुम गेम प्ले लिखिए वो गलत था, क्योंकि अद्दान सला कटारिया विशाल सब ने बोले कि सला तुमको नहीं मानना चाहिए था, तुमको तुम्हारी बात पे अड़े रहना चाहिए था, शायद से बिग बॉस भी नाराज हुए थे उस चीज़ों से, तो ये चीज़ भी तुम्हारी गलत थी। बाकी तुम्हारा मेरे को इन्वॉल्वमेंट उतना लगा नहीं, बस तुम डेजी के साथ बैठ के शायरी कर रहे थे इधर उधर, उतना ज़्यादा मुझे नहीं इन्वॉल्वमेंट लगा तुम्हारा, बट थे जितने भी दिन अच्छा किए, मॉडलिंग किए अच्छे से, रेडी रेडी तो एक नंबर होते थे यार तुम मुसलसल। वाह, एल्विस के लिए भी बोल ही देता हूँ। हाँ तो एल्विस ऐसा फूड रख के बनाता है वीडियो, थोड़ा सा मैं उसके जैसा भी बना लेता हूँ, जैसा वो बनाता है ना फूड रख के होटल में, ऐसा एक टेबल पे रखता है और बोलता है क्या बाड़े हो, बढ़ते हैं कैसे हो। देख मैं मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ एल्विस, अगर ये तेरे तक वीडियो जा रही है तो। फैज़ के ब्लॉग में मैं कुछ रिप्लाई दिया था कटारिया को और तुझे, तो तू एक ब्लॉग बनाया और नाम ले रहा था, ये क्या नाम है, नाम तो पहली बात तो तू लिया नहीं जो कि तुझे मालूम था मेरा नाम, मगर तू ब्लॉग में एक्टिंग किया, ये क्या नाम था उसका, अरे यार फिर वो पीछे से कौन आया, वो 7-8 का पाना, क्या नाम है उसका, नाम नहीं मालूम मेरे को उसका, तो देख सच में नहीं मालूम हाँ, क्योंकि मैं उसको पहली बार देखा तेरे ब्लॉग में, और वो कटारिया को सपोर्ट कर रहा था तब मैं देखा था शायद उसकी स्टोरी में, क्योंकि उसके पास थी कटारिया की आईडी। देख जबान मेरी, मैं तेरे लिए बोलता हूँ ना मेरी जबान ख़राब हो जाती है यार, मेरी जबान ऐसी है नहीं, बट तेरे लिए बोलता हूँ ना क्योंकि तू वैसी बात करता है, इसके लिए जैसे को तैसा देना होता है, इसके लिए मैं तेरे को तू करके बात करता हूँ, नहीं तो मैं भाई करके बात करूँ तेरे से, समझा। तो क्या बोला था उसमें कि गाड़ी से निकल के बना, बाहर निकल के बना, थोड़ा बैकग्राउंड ग्राउंड दिखना चाहिए, बैकग्राउंड दिखना चाहिए अच्छा ना, तो देख मैं तेरे जैसा बना रहा हूँ, वाह क्या बैकग्राउंड है। तो भाई चल ठीक है, मैं इज्जत दे देता हूँ तुझे, तो भाई मेरा तू ब्लॉग जाके देख, मेरा ब्लॉग ज़्यादातर बाहर का ही होता है, और बैकग्राउंड बहुत अच्छा अच्छा बहुत खूबसूरत खूबसूरत होता है। और सच बताओ ना मैं रिप्लाई क्यों नहीं दिया मालूम है तुझे भाई, क्योंकि मैं बहुत पाक जगह गया था और वहाँ पे तू नहीं पहुँच सकता कभी भी, समझा, इसके लिए मैं बहुत पाक जगह गया था, वहाँ पे तेको ना रिप्लाई नहीं दिया।
अरे यार नहीं बोल पाया, तेरे को इज्जत ही नहीं दे पाया भाई। अगर तू मेरे से इज्जत से बात करेगा ना तो मैं तेरे को इज्जत दूंगा, बट मैं मेरा मुंह गंदा नहीं करूंगा। ठीक है, बोला होगा जो भी बोला होगा। मैं मेरे दोस्त के लिए स्टैंड लिया था क्योंकि वो था नहीं रिप्लाई देने के लिए, वो था बिग बॉस में, इसके लिए मैं उसके लिए स्टैंड लिया था। बट तू मेरे को इसमें इन्वॉल्व किया तो मैं सोचा कि यार मेरे फैन लोग नाराज ना हो, इसके लिए मैं तुझे रिप्लाई दे रहा हूँ, समझा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, लाइक करो, शेयर करो और एल्विस कटारिया तक पहुंचा दो ताकि उन लोगों को कुछ ज्ञान मिले मेरी तरफ से। ठीक है।